अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जो भी हमारे चैनल पे नया है वो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करे, घंटे के बटन को ज़रूर दबाए। ये हमारे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे दोस्त हैं जो देख रहे हो, वीडियो में आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी हम चलेंगे तनख्वाह लेने के लिए बैंक। तो चलो, और खैर है बाबू? तो अभी हम पहुंचे हैं यूनिवर्सिटी वाली साइड और चल रहे हैं बैंक पे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको बैंक के व्यू भी दिखाएंगे। और अभी हम रोड क्रॉस करके चौक में आ चुके हैं, आगे के मंदिर भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये आगे वाला चौक, ये है यूनिवर्सिटी। हमारा इलेक्शन लगा पड़ा है तो इसलिए ये फोटो और ये सारी चीज़ें उसकी वजह से लगी हुई हैं। छोटे मुलाजमों की इलेक्शन लगी पड़ी है। अरे खैर यार, छोटे मुलाजिम जितने भी हैं ना, तो उनकी इलेक्शन है। एक से 16 वालों की, 15 वालों की। तो इंशाल्लाह हो सकता है इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन भी आपको दिखाएं, हो सकता है इलेक्शन वाले दिन आपको इलेक्शन भी हम दिखाएं, क्योंकि इलेक्शन वाला दिन जो है वो VIP होता है। यहाँ पे ज़बरदस्त एक दूसरे के सामने रड़ियाँ करनी पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह बैंक की तरफ हम रवा दवाएँ और बैंक के भी व्यू आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तैयार तैयार, माशाल्लाह से बैंक पहुंच गए हम। तो बहुत रश लगा हुआ है, अंदर चल के देखते हैं कि क्या मंजर है। यहाँ पे तो बड़े रश लगे पड़े हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अंदर चलेंगे तो अंदर के माहौल का भी हमारे को पता लगेगा। ये देख सकते हो कितनी बड़ी रश लगी पड़ी है इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह अभी हमने तनख्वाह भी ले ली, जैसे गेट से निकले तो अंदर तो रूल नहीं है बैंक में मोबाइल चलाने का। तो जैसे बाहर निकले एक दोस्त मिल गया, उसने उठाया आगे कॉलोनी वाले गेट पे छोड़ा। अल्लाह की मेहरबानी थी, आज हमारे को सही टाइम पे तनख्वाह मिल गई, क्योंकि सुबह वाले टाइम पर बहुत रश होती है। तो हमने भी सही टाइम देख के फिर तनख्वाह उठाई। तो अभी कुछ दूध वाले के पैसे उसको देंगे और आज कुछ सामान घर का लिया था। तो बहुत महंगाई हो गई है माशाल्लाह, तनख्वाह उठाई है तो महंगाई बहुत हो गई है। तो उसको भी पैसे देने हैं, उसको भी तकरीबन कोई उसके 19,000 कुछ रुपए हुए हैं तो उसको भी देंगे। 19,000 मेरे ख्याल में कोई 800 जहाँ इतने कुछ हैं। बहरहाल ऐसे समझो 20,000 रुपये का सामान आया घर का, तो उसको भी देंगे। दूध वाले भी कोई तकरीबन 8,000 रुपये होते हैं, उसको भी देंगे। और नेट लगा हुआ है उसको भी पैसे देंगे, 1,000 रुपया नेट वाले को भी देते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं अपनी घर वाली साइड पे। ब्लॉग में जो भी होगा आपके साथ शेयर होगा, और आप मेहरबानी करके इसको लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स काफ़ी दोस्त देखते हो मगर कमेंट्स नहीं करते हो, पता नहीं क्यों, किस चीज़ से डरते हो क्या है? तो मेहरबानी करो कमेंट्स ज़रूर करो। देखने वाले चाहने वाले तो हमारे काफ़ी दोस्त हैं मगर कमेंट्स करने वाले बहुत कम हैं। मशीन पे दिल्लू वाली दिल्लू खड़ा है, और ये है हमारी ड्रेनेज मशीन जिस पे अभी हम पहुँचे हैं। तो ये देख सकते हो इसमें घास वास भी लगी हुई है। ड्रेनेज का सिस्टम जो है हमारा वो भी ऐसे चलता है।
ये है ड्रेनेज वाली मशीन, माशाल्लाह से चल रही है। और ये पूरी जो इसका जो है कमरा है वो ख़त्म लगा पड़ा है। देखो ये कभी भी गिर जाएगा, मगर गवर्नमेंट की चीज़ है भाई, हम क्या कर सकते हैं। ये दिल्लू भाई है, दिल्लू भाई क्या हाल है और सुनाए, कब से चला रहा है मशीन? डेढ़ बजे पहुंच गया था। क्यों आज दूसरा नहीं आया था क्या? मेरे ड्यूटी है, दूसरे की नहीं है। अच्छा अभी मशीन में तुम ही आते हो? नहीं, मेरे एक और ड्यूटी है। सही है। और कह रहे ना? और कह रहे। ये था दिल्लू भाई जो मशीन चलाता है रेगुलर, तो इसने मशीन डेढ़ बजे से चालू की है। अभी तो खड़ा भी ख़त्म होने वाला था, हम चल रहे हैं घर वाली साइड पे, तो इंशाल्लाह जो भी होगा व्लॉग में वो तो आपके साथ शेयर करेंगे। माशाल्लाह से अभी हम आशा वाले स्कूल के पास पहुंच गए हैं। मेरी बच्ची का नाम है आशा, उसका नाम ऐसा है मगर उर्दू वाले लिखते हैं आशा। तो उसकी स्कूल की बैक साइड पे हम पहुंच गए हैं, तो अभी हम चल रहे हैं सीधे अपने घर की तरफ। माशाल्लाह से अभी हम चौकी वाली साइड पे पहुंचे हैं, आगे है हमारे चौकी। तो अभी हमें घर की तरफ रवाना हुआ, और ये है हमारे सामने चौकी, ये आप देख सकते हो हमारी ऑफिस है वेलफेयर। क्योंकि हम नई कॉलोनी वाले रोड से आए हैं, तो अच्छा मज़े की बात, हमारे यहाँ के लोग जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, व्लॉग देखते भी हैं, फिर भी वो काफ़ी लोग बोलते हैं क्या यार ये पागलों की तरह सारा दिन तो उसे चलता रहता है। मैंने बोला भाई आकर एक दिन ये हमारा चैनल बढ़ जाएगा, मोनेटाइज होगा, फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। दोबारा कैसे पहले चाहिए? तो हमारा दूध वाला आ गया है, हम इसको देंगे दूध के पैसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या है यार? माशाल्लाह तो दूध वाले को भी पैसे दे दिए, स्टार्टिंग यहीं से की तो इसको भी पैसे दे दिए। अभी आगे चलते हैं, जिनके भी पैसे होंगे इंशाल्लाह उनको भी देंगे, और जिनसे उठाते हैं खाते हैं पीते हैं तो पहले उनको देने चाहिए। तो स्टार्टिंग कर दिए, पहले दूध वाले को दिए, अभी दुकान वाले को देंगे, फिर अल्लाह खैर करेगा सारों को, जिनके भी होंगे ना उनको सारों को दे देंगे। बच्चों की ट्यूशन व्यूशन के पैसे हैं वो भी दे देंगे, अल्लाह मालिक है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने घर, तो आपको घर चल के बकाया बातें सुनाएंगे इंशाल्लाह। हमारा व्यूअर हमारे को मिल गया है मोहसिन साहब। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहसिन साहब क्या हाल है? क्या कर रहे हो? तो बच्ची को घुमा रहा है मोहसिन साहब, ये हमारा अच्छा व्यूअर है। और आप तकरीबन देखते होंगे ये कमेंट्स भी करता रहता है। तो मोहसिन भाई चलो आपको चाय वाय पिलाएं। मेहरबानी, थैंक यू। तो आगे दिखाता हूँ, एक चरिया डॉक्टर है जो बकरे घुमा रहा है इधर। ये पागल डॉक्टर जो बकरे इधर देखो घुमा रहा है कॉलोनी में, और बस क्या बोलें, इन्होंने तो हालत तंग करके रखी हुई है। माशाल्लाह तो अभी रात हो चुकी है, तो यहाँ पे भी लोग का करेंगे एंड, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा, तो आप उसको लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अच्छा आज का हमारा टॉपिक जो था वो बैंक पे था, क्योंकि हम गए थे तनख्वाह लेने, तो हमारा टॉपिक जो था वो बैंक पे था। तो इंशाल्लाह आपको व्लॉग बहुत पसंद आएगा, और जल्दी जल्दी से लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करना, मेहरबानी कहो ज़रूर लाइक कहीं शेयर कहो, आई सब्सक्राइब ज़रूर करो मुझे बाबा, मेहरबानी।